जब भी आप किसी सफ़र में निकलो, आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में आ ही जाती हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग अलमोस्ट खलखो। आज है 8 अप्रैल 2023 और ठीक एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह भी नहीं बचा है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के बाद में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो आज का ब्लॉग कम्प्लीटली हमारा ट्रेवल बेस्ड रहेगा। पीथमपुर से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से अनूपपुर, अनूपपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से रातासली। तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है। मेरे साथ अभी है डेविड, इसको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। एक महीने के आसपास मैं यहाँ से घर से बाहर रहूँगा, तो पैकिंग वगैरह हो गई है, गाड़ी हम लोगों ने अंदर लगा दी है। इंदौर का एक आईटी पार्क है, क्रिस्टल आईटी पार्क है इस नाम का, और मुझे तो लग रहा था कि ये इंदौर में पहला मतलब एकमात्र आईटी पार्क है, बट डेविड बता रहा है कि ये पूरे एमपी का अभी की कंडीशन में सिंगल आईटी पार्क है, क्रिस्टल आईटी पार्क। ये कोई भोपाल रेलवे स्टेशन है और बस सामान लेके, बैग बड़े बड़े हैं तो सामान लेके मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट ढूंढते ढूंढते जस्ट पहुंचा ही था और वहाँ पे मुझे एक पुराना मित्र, हमारे स्कूल का दोस्त धर्मेंद्र, ये मान के चलिए 2010 के बाद मिल रहे हैं, मतलब लगभग 2010 के बाद 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 2023 चल रहा है और इसी महीने में लगभग मार्च अप्रैल में ही अपनी 12th कम्प्लीट हुई थी। तो ये इत्तेफाक की बात है, प्लान नहीं था, लेकिन जब मिलना होता तो कई बार मिल जाते हैं। अभी करंट टाइम हो रहा है 4:20। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, मैं हूँ पेंड्रा रोड, जो कि अनूपपुर का एक नेक्स्ट स्टेशन है टुवर्ड्स बिलासपुर। मुझे यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे पहले अनूपपुर में उतर जाना था, बट मतलब इंतज़ार करता रहा मैं स्टेशन का और 2 बजे तक तो मेरी नींद अच्छे से मतलब टूटी हुई थी, होश में था मैं, उसके बाद अचानक नींद लग गई और जब आँख खुली तो प्रीति का कॉल आ रहा था, एंड देन आई वॉज लाइक टाइम क्या हो रहा है। बैग से जब देखा तो अनूपपुर निकल चुका था और नेक्स्ट स्टेशन पेंड्रा रोड था। लकीली जो मुझे ट्रेन अनूपपुर से पकड़नी थी वो ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट है, जिसकी वजह से अभी वो पेंड्रा रोड नहीं पहुंची है, तो वो पेंड्रा रोड से होते हुए अनूपपुर जाएगी, अनूपपुर से फिर अंबिकापुर जाएगी। तो मैं फ़िलहाल अभी वही ट्रेन जो अनूपपुर में लेने वाला था पेंड्रा रोड में ले लूँगा। वो डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान का, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जब भी आप किसी सफ़र में निकलो, आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में आ ही जाती हैं। सो दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी, आगे से और अच्छे से ध्यान रखूँगा। आज ईस्टर भी है, सो हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। So the train is coming at platform number 3 और मैं अभी हूँ platform number 1 में। I have to move to platform number 3। Now boarded to my actual train, जो मुझे अनूपपुर से पकड़नी थी, अभी पेंड्रा रोड पे चढ़ गया हूँ मैं। ट्रेन लाइन यहाँ से अंबिकापुर तक डेवलप नहीं हुई थी, तब मिश्रामपुर में ही उतर कर ऑटो से अंबिकापुर जाना रहता था, तब यहीं उतरा करते थे हम लोग।
पीछे है बस स्टैंड कुसमी का। फिलहाल यहाँ से जाने के कोई ऑप्शन नहीं था, 2 बजे के बाद लगभग 4 बजे के बीच में कोई बस चलती नहीं है मेरे रास्ते में, तो ये ऑटो लेके जाना पड़ रहा है। गर्मी बहुत है, मतलब इंदौर में इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी यहाँ पे, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है। यहाँ से ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, एक जाता है सामरी जो चांदो होते हुए बलरामपुर निकल जाता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है ये कुरुंधा रतसली होते हुए जो कि आगे झारखंड में निकल जाता है। ये यहाँ पे सामने जो आपको दिख रहा है ये है ग्राउंड, जहाँ पे मोस्टली कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, आइधर क्रिकेट के नहीं तो फुटबॉल के। आसपास के गाँव के टीम्स आती हैं और स्कूल के भी। मोड़ लेना ना चढ़ जाता है, मैं जा रहा हूँ मतलब फर्स्ट ही पहुँच गए। ये ब्लॉग आज का यहीं तक रहेगा, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, लोगों के साथ में शेयर करें, गांव का माहौल और देखना है तो ब्लॉग फॉलो करते रहें चैनल को। मिलते हैं नए ब्लॉग में किसी और ब्लॉग में, बाय बाय।